गाइज वेलकम बैक टू वीडियो। सो आपने एक दो दिन के अंदर बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे कि आपका जो जेई मेन 2023 है वो जनवरी में ना होके अप्रैल में हो रहा है। ये कन्फर्म न्यूज़ आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिला होगा, बहुत सारे, ठीक है। और आप ये चीज़ कन्फर्म ऑफिशियल भी मान लिए होंगे कि अप्रैल में होगा। तो यार ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, अब तक मैंने वीडियोज़ नहीं बनाया था, वो इसलिए क्योंकि वेट कर रहा था कि ऑफिशियल या तो CBSE कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन देते, ओके रिजल्ट एग्जाम से रिलेटेड, या जेई मेन वाले कुछ ऑफिशियल अपडेट देते। लेकिन एक न्यूज़ की वजह से बहुत सारे लोग इस चीज़ को कन्फर्म कर रहे हैं कि आपका जेई मेन एग्ज़ाम अप्रैल में होगा, ठीक है, जो कि ये गलत है। ओके अभी आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूँगा कि आपका जेई मेन एग्ज़ाम क्या पॉसिबिलिटी है जनवरी में होने, क्या पॉसिबिलिटी। वैसे तो जनवरी में भी हो सकता है, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और मैं भी चाहता हूँ कि आपका जेई मेन एग्ज़ाम जो है जनवरी में ना होके वो आपका अप्रैल में हो, क्योंकि इसमें आपको लाइक जो भी ड्रॉपर्स वाले बच्चे ना उनको फ़ायदा होगा, ओके। बट जेई मेन वाले करना होगा उनको NTA को जनवरी में, तो जनवरी एग्जाम करा सकते हैं। दो पॉसिबिलिटी की बात करूंगा और आप उसको ध्यान से देखो, ओके। तो मेरा रिक्वेस्ट है, बहुत सारे एडटेक से जो पढ़ाने कंटेंट डालते हैं वो कृपया करके पढ़ाने पर फोकस करें। ये जितने सारे न्यूज है, जितने सारे अपडेट है, वो सारे हम लोग भी छोड़ दें, मैं इसको बता दूंगा, ओके, जो भी अपडेट होगा, ओके। सो पहली बात कि आपका जो जेई मेन का एग्जाम है लाइक जनवरी में पहले अटेम्प्ट की बात हो रही है, ठीक है। और कुछ टाइम पहले ये अपडेट भी आया था कि नवंबर में आपका स्टार्ट हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन, ओके, और नवंबर में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा तो आपका एग्ज़ाम जो है जनवरी में हो सकता है पॉसिबल। बट एक न्यूज़ की वजह से लाइक कि आपका प्रैक्टिकल जो जनवरी से स्टार्ट होगा, तो देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो प्रैक्टिकल है ना वो आपका प्रैक्टिकल होता है वो एंड ऑफ एग्ज़ाम, लाइक जब से डेट दिया गया है उस दिन से लेके जब तक आपका CBSE का एग्ज़ाम हो रहा है तब तक उसके अंत तक आप प्रैक्टिकल ले सकते हो। तो आपका CBSE का एग्ज़ाम अप्रॉक्स आप मान सकते हो कि अराउंड मार्च के अंत तक चल रहा होगा, ठीक है, लाइक मार्च के एंड तक, मतलब 3 महीने CBSE के पास टाइम होगा, स्कूल के पास टाइम होगा, अपना प्रैक्टिकल ले सकते हैं, ठीक है। और जेई मेन वालों कितने दिन चाहिए, अप्रॉक्स 4 to 5 days चाहिए, ठीक है, अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आपका अगर एग्ज़ाम वो कराना चाहे जनवरी में तो जनवरी में हो सकता है। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद बस यही है कि जो लोग 2023 को टारगेट कर रहे हैं वो ऐसा ना सोच ले कि कन्फर्म है कि अप्रैल में ही होगा, ठीक है। अगर मान लो अप्रैल में नहीं हुआ, जनवरी में हो गया, तो फिर क्या करोगे, फिर तो लाइक आपको शॉकिंग न्यूज़ मिल जाएगा, फिर कैसे कैसे प्रिपरेशन करना। तो ये चीज़ जो मिसगाइडिंग न्यूज़ है ना उससे दूर रहो, ठीक है। लाइक आप एक मान लो कि आपको जनवरी में ही एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, अगर जनवरी में हो रहा है, अगर फिर होता भी है जनवरी में तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगा। मान लो अगर जनवरी में ना मान के तैयारी कर रहे हो, लाइक अप्रैल में आप मान लिए कि अप्रैल में एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, और जनवरी में पेपर हो गया, तो फिर आपके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगा चीज़ों को मैनेज करना, ठीक है। तो आप डेडलाइन मान के रखो कि आपका एग्ज़ाम जो है जनवरी में हो रहा है, अराउंड अगर होना भी होगा तो 10-15 जनवरी या 15-20 जनवरी के आसपास ही आपका एग्ज़ाम शेड्यूल हो रहा होगा, ठीक है। और जब भी कोई भी अपडेट आता है लाइक ऑफिशियल अपडेट, मैं आपको उस पर वीडियो बनाकर बता दूंगा, ठीक है। ये वीडियो बनाने का बस एक ही रीज़न था कि आप ये चीज़ कन्फर्म ना मान लें, ठीक है, अभी कन्फर्मेशन कुछ भी नहीं है और ऐसा पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम जनवरी में नहीं हो सकता है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है जनवरी में भी एग्ज़ाम आपका हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं तो आपके जनवरी में पेपर नहीं हो सकते। ये जरूर सही बात है कि क्लैश नहीं करेंगे पेपर के साथ, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, दूसरा रीज़न ये है कि आपका लाइक अभी तक CBSE ने भी शेड्यूल नहीं जारी किया, ना ही जेई मेन ने। CBSE अगर शेड्यूल जारी कर देगा तो जेई मेन वालों को क्लियर आइडिया हो जाएगा कब उनको एग्ज़ाम करना है, या जेई मेन वाले एग्ज़ाम का शेड्यूल दे दें तो CBSE वालों को आइडिया लग जाएगा कि उनको प्रैक्टिकल कब एग्ज़ाम कराना है, ठीक है। तो ये चीज़ अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, तब तक आप जनवरी को ही डेडलाइन मानो कि जनवरी में आपको पेपर हो रहा है, ठीक है। ये सब बकवास बातें हैं कि आपका कन्फर्म है कि अप्रैल में पेपर हो रहा है, ठीक है। वही लोग कुछ टाइम पहले ही आपको जनवरी चिल्ला रहे थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से दूर रहो, ओके। और वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।